चलिए क्या है अगला टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM, सरल आवर्त गति करते हुए। इससे पहले हमने टाइम पीरियड आपको पढ़ाया था कि टाइम पीरियड आवर्त काल T इज इक्वल टू 1/ν पढ़ाए थे, और म्यू बराबर 1/T, वो किसके लिए था, डिस्प्ले लीनियर के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पीनो दिल्ली इधर देखी है ना, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिसमें एक्सेलरेशन भी होता है, वेलोसिटी भी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और तत फेज डिफरेंस भी होता है। कुछ वेरिएबल टर्म है उसमें, कुछ कांस्टेंट टर्म है ना। कांस्टेंट टर्म में कौन है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, हर समय बराबर होगा। अब छोड़िए पिछले को क्या दोहराना, अगला को देखिए, इसमें निकालना है इन द टर्म ऑफ SHM में निकालना है, वो लीनियर में था टाइम पीरियड। तो एक चीज तो हम लोग खानदानी जानते हैं, इहे को जानबे करती है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। A इज इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर वाई, यही ना। ये भी जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती हो कि यहाँ निगेटिव भी था क्या, तो वो डायरेक्शन था, तो ओकरा फेर में अभी नहीं रहेंगे है ना। अब देखिए, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा वाई होगा, ओमेगा स्क्वायर, इसको यहां से लिखिए बताइए, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई, या ए पीछे से शुरू कर दी, तो ओमेगा स्क्वायर कितना कस के डर है निभा क्या होगा, ए बटा वाई होगा, बटा में चला आएगा। अब ओमेगा बराबर क्या होगा, ए बटा वाई, इस पर स्क्वायर हो जाएगा कि रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया। बट लेकिन ओमेगा बराबर तो होता है 2π/T, होता है नहीं होता है, तो यही को लफड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तब कैसे लफड़ा को दूर करेंगे, ये ओमेगा के जगह ओमेगा का वैल्यू बैठा दे, हम 2π/T लिख दें बराबर रूट अंडर ए बटा वाई लिख दें, माने तू सुन रही हो ना कि ये लिखे हैं, लग रहा है को मत देखो, जो है क्या वो देखो है ना। हम कह रहे हैं कि बउआ रे ये मनेर के लड्डू है ये खा ले, तो तू कहेगी कि लग रहा है कि पिरकिया, लग रहा है मत देखो, हम जो दे रहे हैं समझो कि हाँ ये लड्डू दे रहे हैं है ना, लग रहा है लगने के लिए हर सुंदर फूल में महक नहीं होता है ना, हर सुंदर देखने वाली लड़की सभ्य नहीं होती, सभ्य हो गया, सभ्य नहीं होती है ना, हर शरीफ दिखने वाला लड़का भला लोग नहीं होता क्या, तो जो फलांट में है हम गजब अपसर बिटिया, गजब रे गजब। चलो हाँ, तो वो नहीं ना देखेगी, अफसर बिटिया में वो उसको नहीं ना देखेगी, होकरा के देखेगी। चलो ये तो हो गया, हमको निकालना है क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन SHM, एक्सेलरेशन ही क्या हुआ इन SHM हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इन SHM हो गया, और ये टाइम, अब ओमेगा को तोड़ दिया हम किसमें, 2π/T में,
अब लग रहा है कि रास्ते पर नजदीक आ गए हैं हम लोग, टी आ गए हैं। अब टी बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई वाई अपॉन ए रूट अंडर हो जाएगा। अब कोई कैसे ही ऊपर कैसे चल गया, अरे बकलोल है, देख तो टू पाई बाई टी है बराबर रूट अंडर ए बटा रूट अंडर वाई है, है? पूरा प्रूफ है तो अलग अलग तनका सा एक लाइन मारे छलांग तो देखते रह गया ला, ये कहूं क्रॉस मल्टी कर सकते हैं, टू पाई रूट अंडर वाई बराबर टी रूट अंडर ए लिख सकते हैं। अभी टी बराबर क्या होगा, इतना बटा इतना होगा, टू पाई रूट अंडर वाई अब बटा क्या होगा रूट अंडर ए, ये दोनों रूट को एक साथ ले सकते हैं, तो वही चीज मैंने कर दिए है, बुझाया कि कहां से आया। अब इंटर के स्टूडेंट को वैसे करेंगे ये, ओहो पानी पानी पिला दिया सर। ए इस टी को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल है ना, आवर्त काल कहते हैं। निकल गया टाइम पीरियड किसके टर्म में निकल गया, वाई एंड ए, ए फॉर एक्सेलरेशन वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अर्थात कहने का मतलब इसको हिंदी में अगर लिखना होगा मैंने डिजिट में सॉरी लेटर में टाइम पीरियड कैसे लिखोगे, हाँ इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन विस्थापन अबटे त्वरण अबटे आवर्तकाल। अरे कर हिंदी ठीक है, खेसारी के शब्दों में ठीक है, तो चलो पवन के शब्दों में लिख लो तो फिर बादल के शब्दों में फ्रीक्वेंसी हम बताएंगे। आगे का कार्यक्रम देखा जाए क्या है, आगे इसके आगे फ्रीक्वेंसी यही ना, ठीक ठीक है फ्रीक्वेंसी है था। अब हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति किसमें, एसएचएम में। अगर पूछे कि केवल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो वाला निकालेंगे, अगर कहेगा इन एसएचएम। अब देखो फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर क्या हम पढ़े थे, सीधा सीधी है ना। अब हम खाना बना लिए हैं तप देकर घोट जाना है, कैसे घोट जाना है, तो म्यू इज इक्वल टू वन अब बटा टी कितना निकला है, टू पाई रूट अंडर वाई अपॉन ए, यह निकलल बा है, तो इसको म्यू बराबर वन बाई टू पाई और इसको ऊपर चल जाएगा ए बटा हो जाए ओवर रूट निकल गए फ्रीक्वेंसी। रसोगुल्ला रसोगुल्ला है ना, जब कलकत्ता में गए तो वहां धर्मतल्ला है बस स्टैंड, तो वहां चिल्लाएगा धर्म तोला धर्म तोला धर्म तोला, हम कथी बोले थी बकलटा है हमें समझ में ना आवे, लचोगुल्ला लचोगुल्ला लचोगुल्ला। चलिए।